43 साल बाद वही कहर, वैसा ही मौत का तांडव। तब गुजरात के मोरबी शहर में खंभों पर लटकती मिली थी लाशें। मोरबी का दर्दनाक किस्सा, जब लाशों की दुर्गंध से इंदिरा गांधी ने बांधा था मुंह। 11 अगस्त 1989 को ये पूरा शहर किस तरह शमशान में तब्दील हो गया। नमस्कार, मैं राजेश, आप देख रहे हैं एक्सेस भारत न्यूज। तो चलते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। रविवार को गुजरात में मोरबी शहर की मच्छू नदी पर बना सस्पेंशन ब्रिज टूट गया। इस पर करीब 500 लोग सवार थे जो नदी में जा गिरे। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक हादसों में 134 लोगों की मौत हो गई और 70 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। इस भयानक हादसे ने मोरबी के लोगों की फिर से एक दर्दनाक घटना की याद दिला दी थी। यह हादसा मच्छू नदी के डैम टूटने से हुआ था। आइए जानते हैं कि किस तरह 11 अगस्त 1989 को ये पूरा शहर किस तरह शमशान में तब्दील हो गया। लगातार बारिश और स्थानीय नदियों में बाढ़ के चलते मच्छू डैम ओवरफ्लो हो गया था। इससे कुछ ही देर में पूरे शहर में तबाही मच गई थी। 11 अगस्त 1989 को दोपहर 3:15 बजे डैम टूट गया और 15 मिनट में ही डैम के पानी ने पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लिया था। देखते ही देखते मकान और इमारतें गिर गई थीं, जिससे लोगों को संभलने तक का मौका भी नहीं मिला। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस हादसे में 1439 लोगों और 12849 से ज्यादा पशुओं की मौत हो गई थी। लोगों ने भयानक मंजर देखा। इंसानों से लेकर जानवरों के शव खंभों पर लटके हुए थे। हादसे में पूरा शहर मलबे में तब्दील हो चुका था और चारों ओर सिर्फ लाशें नजर आ रही थीं। इस भीषण हादसे के कुछ दिन बाद इंदिरा गांधी ने मोरबी का दौरा किया था, तो लाशों की दुर्गंध इतनी ज्यादा थी कि उनको नाक में रुमाल रखना पड़ा। इंसानों और पशुओं की लाशें सड़क पर आ चुकी थीं। उस समय मोरबी का दौरा करने वाले नेता और राहत एवं बचाव कार्य में लगे लोग भी बीमारी का शिकार हो गए थे। करीब 5 साल पहले मोरबी में चुनाव रैली के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा था कि मच्छू बांध त्रासदी के बाद राहत कार्य के दौरान राहुल गांधी की दादी इंदिरा बेन मुंह पर रुमाल डाले दुर्गंध और गंदगी से बच रही थीं, जबकि संघ के कार्यकर्ता कीचड़ व गंदगी में घुसकर सेवा भाव से काम कर रहे थे। गुजराती मैगजीन चित्रलेखा ने इंदिरा की तस्वीर पर राज्य की गंदगी और संघ के कार्यकर्ताओं की तस्वीर पर मानवता की महक का शीर्षक लगाया था। गुजरात के मोरबी में रविवार शाम करीब 6:30 बजे केबल सस्पेंशन ब्रिज टूटने से करीब 400 लोग मच्छू नदी में गिर गए। हादसे में 190 लोगों की मौत हुई है। इनके शव मोरबी के सिविल हॉस्पिटल में पहुंचा दिए गए हैं। मरने वालों में 50 से ज्यादा बच्चे और महिलाएं हैं। 70 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। 100 लोगों की तलाश अभी भी जारी है। हादसे से जुड़े हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। ब्रिज टूटने से तुरंत बाद का वीडियो दिखाई दे रहा है, जिसमें लोग टूटते ब्रिज पर लटके हुए मदद की गुहार लगा रहे हैं। हादसे के बाद कोई तैरकर बचाया तो किसी को वहां पर मौजूद लोगों ने बचाया।